तो काफी लोग बोल रहे थे एंटीबायोटिक्स की क्लास के लिए, तो आज जो है सारा का सारा एंटीबायोटिक्स कवर कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है एंटीबायोटिक्स का, कैसे काम करती है, एग्जांपल्स पता होने चाहिए हर एंटीबायोटिक्स के आपको, कि कौन सी एंटीबायोटिक्स किस ग्रुप के अंदर है, और एंटीबायोटिक्स देने के लिए मतलब क्या चीज़ देखी जाती है, बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक एनारोबिक वगैरह, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेक्चर शायद लंबा हो जाएगा एंड स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं, वो दवा होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, या फिर अगर ब्रॉडली बताऊं तो आपका जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ की जाती है। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर जो आपका बैक्टीरिया को मारने वाली दवा भी आती है, फंगस को मारने वाली दवा भी आती है, उनको एंटी फंगल बोल दिया जाता है, लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स वो दवा होती हैं जो बैक्टीरिया से ली जाती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, ये चीज़ मैं एक बार और बता चुका हूँ। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये सारी की सारी ड्राइव्ड होती हैं कहाँ से, बैक्टीरिया से। अब एंटीबायोटिक्स के भी दो टाइप हो सकते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल, या फिर सेमी सिंथेटिक। नेचुरल वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्योरली बैक्टीरिया से ली जाती हैं, सिंथेटिक वो होती हैं जो प्योरली आजकल इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं बैक्टीरिया को देखकर, कि बैक्टीरिया इस टाइप की एंटीबॉडी बना रहा था और उसे देखकर जो है आजकल डीएनए से, जो है बैक्टीरिया के डीएनए से आजकल लैब में बना ली जाती है एंटीबायोटिक्स, जैसे एमोक्सिसिलिन वगैरह जो है आजकल सिंथेटिकली बनाई जाती है। और सेमी सिंथेटिक जो होती है जिसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है नेचुरल होता है बैक्टीरिया का, और थोड़ा बहुत जो मिलाया जाता है वो होता है इंडस्ट्री के अंदर केमिकली। तो दो टाइप की एंटीबायोटिक्स हो गई आपकी, तीन टाइप की हो गई बेसिकली, नेचुरल सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, कि किस तरह से वो ड्राइव होती है मतलब बनती हैं। और एंटीबायोटिक सारी की सारी जो है बैक्टीरिया से ड्राइव हुई थी इनिशियली। अब हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स, अगला है अपना ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। काफ़ी लोगों को पता होगा कि ग्राम नेगेटिव क्या चीज़ है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या चीज़ है। तो अगर हम देखें तो दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया होते हैं, दोनों के दोनों बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन ये फ़र्क कहाँ पर आता है, पॉजिटिव इस चीज़ को पॉजिटिव क्या बनाती है, इस चीज़ के पास क्या चीज़ है जो उसको पॉजिटिव बनाती है, और इसके पास क्या नहीं है जो उसको नेगेटिव बनाती है। नेगेटिव का मतलब कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नाम है वो दिया जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो लोग माइक्रोब्स को पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट इनका नाम देते हैं, वो देते हैं लैब के अंदर। कोई बैक्टीरिया जिसके ऊपर आपने स्टेनिंग करी है, स्टेनिंग मतलब उसको आपने रंगा है डाई करी है, उसको बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग। क्या बोला जाता है, ग्राम स्टेनिंग। इसलिए ऐसे बोला जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिसने इसको बनाया था, स्टेनिंग सबसे पहले की थी, उनका नाम था ग्राम, ठीक है। तो ग्राम ने जो करा था तो उसके नाम उसको पड़ गया ग्राम स्टेनिंग। अब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, अगर बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर पिंक कलर का दिखता है, अगर पिंक कलर का दिखता है तो वो होता है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अगर वो पर्पल दिखता है, आपको पर्पल दिख रहा होगा पर्पल, तो उसको बोला जाएगा ग्राम पॉजिटिव। तो जो चीज पर्पल दिखती है उसको ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं, जो चीज नहीं दिखती वो ग्राम नेगेटिव होती है। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल चीज कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है। अब प्रैक्टिकल चीज क्लिनिकल चीज पे आते हैं कि क्या पॉइंट है समझने का, व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड व्हाट इज ग्राम नेगेटिव। तो सबसे पहला जो फर्क है जो इसको पिंक बनाता है और इसको पर्पल बनाता है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। एक बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये केमिकल है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपको तब समझ आएंगी, पेनिसिलिन तभी समझ आएंगी आपको जब आपको ये पता होगा, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। पहले मैं आपको सेल वॉल दिखा देता हूँ। अगर ये बैक्टीरिया है तो सबसे बाहर वाली चीज, आउटर मोस्ट कोट जो होता है, सबसे बाहर वाली दीवार, उसको बोला जाता है सेल वॉल। वॉल मतलब दीवार। उसके अंदर आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है लिखा नहीं है, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म वगैरह आता है। तो सेल वॉल जो होती है दो टाइप की होती है, ग्राम पॉजिटिव की अलग होगी, ग्राम नेगेटिव की अलग होगी। तो सेल वॉल जो बनी होती है वो एक केमिकल की बनी होती है जिसको बोला जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर बताऊं तो, जो जुड़ के क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं। छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल, छोटे छोटे जो है स्फीयर्स बन के बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ है, लेकिन एक चीज जो इसके पास है इसके पास नहीं है, वो है आउटर मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें कि इसके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होगी। इसके बाद क्या आ गई, एक सेल वॉल। इसकी सेल वॉल मोटी है, ठीक है, इसकी सेल वॉल क्या है, पतली है। इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा आउटर मेम्ब्रेन, और यहां पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड की बनी होती है, लिपिड मतलब फैट्स की बनी होती है आउटर मेम्ब्रेन। किसकी, ग्राम नेगेटिव की।
ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, मतलब ये ऊपर से खुली होती है। इसको मारना आसान होगा, ठीक है, इसको मारना आसान होगा क्योंकि इसकी सेल वॉल पर एंटीबायोटिक्स जितने भी आप डालेंगे जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह वो आराम से यहाँ पर पहुँच सकती है, तब यहाँ पर पहुँच सकती है, तो मतलब बैक्टीरिया को आराम से मारा जा सकता है। तो इसलिए ग्राम पॉजिटिव के लिए पेनिसिलिन ज़्यादा इफेक्टिव है। ये लॉजिक है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्राम पॉजिटिव के लिए पेनिसिलिन इसलिए यूज की जाती है क्योंकि पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल को इनहिबिट करती है, मतलब सेल वॉल को नहीं बनने देती है। तो यहाँ पर जो है पेनिसिलिन पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि लिपिड जो है इसको क्रॉस नहीं करने देगा, या थोड़ी बहुत क्रॉस होगी जिससे हमें एक्शन नहीं दिखेगा, एक्शन नहीं दिखेगा तो अपनी एंटीबायोटिक खराब हो गई, इसका कोई पर्पज नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने पेनिसिलिन दी, इससे क्या होगा आपकी सेल वॉल के अंदर ही जाएगी और सेल वॉल को बनने से रोक देगी, इसका इनहिबिशन कर देगी, इसको बनने नहीं देगी, जिस वजह से सेल वॉल टूटी टूटी रह जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को समझने का कि क्यों हम क्लासिफाई करते हैं ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव को। तो मेन चीज जो होती है इन दोनों के अंदर वो होती है इनका सेल वॉल। नेगेटिव के अंदर जो होती है सेल वॉल के बाहर एक अलग मेम्ब्रेन होती है लिपिड की, जिस वजह से पेनिसिलिन इफेक्टिव नहीं है। अब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इससे आपको मैकेनिज्म समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि कौन सी वाली एंटीबायोटिक कैसे काम करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया किस किस चीज का बना होता है। हम ऑलरेडी एक चीज पढ़ चुके हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अगला इसका होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डीएनए, ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका डीएनए जो होता है प्रॉपर नहीं होता ह्यूमन डीएनए की तरह, इसको इसलिए न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इसके बाद राइबोसोम, ठीक है, ये सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट, वैसे साइटोप्लाज्म भी होता है जो बीच की जगह होती है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा फ्लैजेला फ्लाई, ये छोटे छोटे धागों की तरह होते हैं जो बैक्टीरिया की बॉडी से निकले होते हैं, इनके मूवमेंट से क्या करता है बैक्टीरिया चल पाता है। अगर उसको आप पानी के अंदर डाल देंगे तो बैक्टीरिया फ्लैजेला एंड फ्लाई की वजह से क्या करता है चलता है। अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर इसको चिपकना होता है तो वो इन्हीं की वजह से चिपकता है, प्लाई या फिर फ्लैजेला की वजह से, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लाई फ्लैजेला, इसका हमें ज़्यादा काम नहीं है, प्लाज्मिड का भी ज़्यादा काम नहीं है, कैप्सूल का भी काम नहीं है, इनको हम काट देंगे। आज जो हमारी मेन चीज़ है वो ये चीज़ है, ठीक है। तो सेल वॉल, अगर सेल वॉल बैक्टीरिया को बचा के रखती है तो अगर सेल वॉल को आप तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिसिस हो जाएगा। लिसिस मतलब होता है टूटना, टूटना मतलब डेथ। तो जिस चीज का लिसिस हो जाएगा मतलब डेथ हो जाएगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटा दीजिए। एक मैकेनिज्म हो सकता है प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक दीजिए, अभी मैंने बात करी थी सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक दीजिए, तो वो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स मोस्टली क्या होती हैं, लिटिक, जो लिसिस करा देती हैं। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं उनको बोला जाता है स्टैटिक, मतलब वो ग्रोथ को कम कर देंगी। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देंगी उनको बोला जाएगा लिटिक, जो लिसिस करती है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं कई बार जब हम एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, जो आपकी लिसिस कराती हैं, जो आपकी स्टैटिक होती हैं, तो उसको बोला जाता है बैक्टीरियो लिटिक, जो उसमें लिखा नहीं है मैं इसे बता देता हूँ आपको, बैक्टीरियोस्टैटिक, जो ग्रोथ को रोकती है उसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है रुकावट, और जो बैक्टीरिया को मार देती है उसको लिसिस मतलब लिटिक। अब आपको लग रहा होगा ये ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम है, इन दोनों का मतलब सेम नहीं है। लिटिक मतलब अगर कोई चीज़ पहले से बनी है उसको आप तोड़ दीजिए, ठीक है। स्टैटिक मतलब अगर कोई बैक्टीरिया रखा है किसी प्लेट के अंदर, किसी बॉडी के अंदर, तो आप उसका डिवीजन रोक दीजिए, आप उसका रेप्लिकेशन रोक दीजिए कि वो एक से दो ना बन पाए, उसको बोला जाता है स्टैटिक, मतलब उसकी आप ग्रोथ रोक दीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने का क्या पर्पज़ है हमारे पास, हर चीज़ का जो है क्लिनिकल चीज़ होती है, आप थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन आप क्लिनिकल नहीं पढ़ पाते। बैक्टीरियोलिटिक दवा उसके अंदर दी जाती है कोई एनिमल या ह्यूमन जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, कॉम्प्रोमाइज मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है। इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, किसी भी कैटल की इम्यूनिटी कम है, कोई और बीमारी है जैसे कि उसकी कोई सर्जरी करी गई है, मेजर सर्जरी करी गई है, तो उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन हो रही है क्योंकि बॉडी क्या है स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर है। आप अगर उसको लिटिक देते हैं तो एनिमल सेफ रहेगा, जो भी बैक्टीरिया को उसको एनिमल क्या करेगा मार देगा, उसकी बॉडी से एनिमल
कि बॉडी से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बैक्टीरियोस्टैटिक पे रखते हैं तो क्या होगा कि ग्रोथ जो है रुकेगी तो सही, लेकिन जो बैक्टीरिया बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे बॉडी के साथ। ऑलरेडी इम्यूनिटी क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी कम है। एंड कुछ बैक्टीरिया जो मरे नहीं, जिनका लिसिस नहीं हुआ क्योंकि आपने बैक्टीरियोस्टैटिक दी है, वो क्या करेंगे, तबाही मचाना शुरू करेंगे, इन्फेक्शन कर देंगे, और हो सकता है कि एंटीबायोटिक का असर ना दिखे, जिस वजह से आपको सोचना है कि आपको बैक्टीरियोलिटिक देनी है या बैक्टीरियोस्टैटिक देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। मोस्टली क्या होते हैं, लिसिस होते हैं जो कि डेथ करा देते हैं बैक्टीरिया की। अब हम आते हैं अपनी अगली क्लासिफिकेशन के ऊपर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, सेल वॉल, उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन, सबसे अंदर होता है डीएनए। डीएनए के क्या काम होते हैं, डीएनए या तो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन वो राइबोसोम से बनाता है। YouTube पे किसी का कमेंट आया था कि आप गलत बता रहे थे कि डीएनए प्रोटीन बनाता है, सही आंसर है राइबोसोम बनाता है। लेकिन डीएनए राइबोसोम कहाँ से बनता है, राइबोसोम भी तो डीएनए से बनता है यार, मतलब राइबोसोम नहीं सॉरी आरएनए, आरएनए और राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो उस बंदे ने लिखा था कि डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, आरएनए प्रोटीन बनाता है। अगर हम देखें तो डीएनए से ही तो आरएनए आता है, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए आता है। तो फाइनली देखा जाए तो डीएनए ही आपका प्रोटीन बनाता है, डीएनए ही आपका क्या कराता है, डिवीजन कराता है। अगर आपने डीएनए के सिंथेसिस को रोक दिया, डीएनए के सिंथेसिस को रोक दिया, क्या होगा, बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएगा और डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक तरह से जो है बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकता है और बैक्टीरियोलिटिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी दवा दी और किस क्वांटिटी में दी है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, अगर कोई एंटीबायोटिक आपके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीज आती है आपकी, आरएनए, राइबोसोम, टीआरएनए, बहुत सारी चीज होती हैं। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो अलग अलग पॉइंट पर क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। लेकिन हम ब्रॉडली अगर समझें तो जो एंटीबायोटिक प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकती हैं, क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं और कई बार डेथ हो जाती है। डेथ क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया को अपनी ज़रूरत के हिसाब का प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा, उसे भूख लगेगी, स्टार्व कर जाएगा। ठीक है, अब इफेक्टिव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है फॉलिक एसिड। क्या है, फॉलिक एसिड, ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड जो भी आप बोलते हैं इसको। तो फॉलिक एसिड बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। बैक्टीरिया हमेशा फॉलिक एसिड क्या करता है, बाहर से लेता है, बैक्टीरिया फॉलिक एसिड अपना नहीं बना सकता। तो फॉलिक एसिड क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी से जाता है बैक्टीरिया के अंदर, सॉरी उल्टा बोल दिया, फॉलिक एसिड जो है हमेशा बैक्टीरिया खुद का बनाता है, बाहर का नहीं ले सकता। ठीक है, अगर बैक्टीरिया फॉलिक एसिड बना रहा है और उसने अगर आपको रोक दिया, आपने उसका फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक दिया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है, अब आप पूछेंगे फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है, फॉलिक एसिड ह्यूमंस के लिए भी, बैक्टीरिया के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि फॉलिक एसिड क्या करता है, डीएनए को बनाने में हेल्प करता है। जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरैसिल वगैरह वगैरह, उसके अंदर फॉलिक एसिड का बहुत काम होता है। अगर फॉलिक एसिड नहीं सिंथेसिस हो पा रहा है, मतलब आपने कोई दवा दे दी बाहर से जिस वजह से फॉलिक एसिड का आपने सिंथेसिस रोक दिया, कट डाउन कर दिया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, क्योंकि डीएनए प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। हो सकता है सिर्फ स्टैटिक दिखे, अगर आपने डोज कम रखी है कि बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पा रहा, अगर डोज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का लिसिस हो जाएगा। ये भी पढ़ लिया, अफेक्टिंग मेम्ब्रेन्स। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के लिए इफेक्ट डालती हैं, सेल मेम्ब्रेन की क्या करती हैं, परमिएबिलिटी बढ़ा देती हैं। परमिएबिलिटी क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक एबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की, जिस वजह से जो है केमिकल्स या फिर वाटर या फिर सॉल्वेंट जो है इधर से उधर जा सकता है। मतलब अगर एक मेम्ब्रेन है, अगर पानी इधर से इधर जा सकता है, अगर ज़्यादा पानी जा सकता है इधर से इधर, इसका मतलब परमिएबिलिटी ज़्यादा है। अगर कम चीज़ें इधर से इधर ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, तो मतलब परमिएबिलिटी कम है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये वाली जो ग्रुप की हैं वो क्या करती हैं, इसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती हैं। तो क्या होता है, जैसी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ती है, तो क्या होता है, पानी अंदर से बाहर जाने लगता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया फूल जाता है और क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। या फिर हो सकता है कि पानी बाहर से अंदर आ जाए, बैक्टीरिया श्रिंक कर जाए और क्या हो जाए, डेथ हो जाए। मतलब बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म सारा का सारा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारे पढ़ लिए इस डायग्राम से। अब हमें क्या पढ़ना है, हर दवा का नाम, हर ग्रुप का नाम, और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने बीच बीच में, अब जो आपका आसान काम रह गया।
सबसे पहले आती है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर मतलब जो सेल वॉल के सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है। सेल वॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था, पेप्टाइडो ग्लाइकन। तो पेप्टाइडो ग्लाइकन के अंदर एक साइट होती है जिसको बोला जाता है पीबीएस, पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट, मतलब यहां कर पेनिसिलिन जुड़ती है। ठीक है, अब पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, बीटा लैक्टम क्या होते हैं। बीटा लैक्टम बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो रिंग होती है, एक रिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसका नाम बीटा लैक्टम होता है। ठीक है, रिंग का मेरे को आइडिया नहीं है क्या था, भूल गया हूं मैं। ठीक है, एक रिंग होती है जिसको बीटा लैक्टम बोला जाता है। इसके साथ जिस टाइप की रिंग अटैच होती है, दूसरी रिंग, वो उसका टाइप बताती है कि क्या वो पेनिसिलिन है, क्या वो सेफेलोस्पोरिन है, क्या वो कार्बापेनम्स है, या वो मोनोबैक्टम है। तो मेन जो रिंग है वो हमेशा रहेगी इन सबके अंदर, वो है बीटा लैक्टम की रिंग। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको मैं आपको क्लिनिकल चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। बीटा लैक्टम मतलब इन चारों के अंदर क्या होगी, बीटा लैक्टम की रिंग होगी, लेकिन जो साइड चेन होगी मतलब दूसरी जो रिंग होती है वो चारों के अंदर अलग अलग होती है। अभी अलग अलग क्या है, ग्रुप्स हैं ये। ठीक है, ये नाम नहीं है, ये ग्रुप्स हैं। अब बीटा लैक्टम्स के अंदर हम ग्रुप पढ़ते हैं चार, जो कि सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। अब हम आते हैं पेनिसिलिन के ऊपर। पेनिसिलिन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी एंटीबायोटिक की वो पेनिसिलिन थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम जानते हैं, पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। तो सबसे पहली जो पेनिसिलिन होती है वो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन ही थी, क्योंकि वो फंगस से ली गई थी। तो सबसे कॉमनली आप दवा देते हैं हर चीज के अंदर, हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर डीसी डाइक्लिस्टासिन देते हैं। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो उसके अंदर आप डाइक्लिस्टासिन को डाल देते हैं, तो ड्राई फॉर्म में, या फिर उसको आप सोल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ और आप उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइक्लिस्टासिन। एमोक्सिसिलिन, एम्पीसिलिन, क्लोक्सासिलिन, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, डाइक्लोक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जिसका नाम डाइक्लिस्टासिन है, और पाइपेरासिलिन। ठीक है, ये आपकी क्या है, एंटीबायोटिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने सब कुछ लिखा है यहाँ पर, क्लेविलानिक एसिड को लाल कलर से लिखा है, टेजोबैक्टम को लाल कलर से लिखा है, और एक चीज होती है इसको बोला जाता है सल्बैक्टम, इसको लाल कलर से लिखा है। ये तीनों चीज क्या है, कई बार कोई भी आप एंटीबायोटिक उठाएंगे, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप एंटीबायोटिक उठाएंगे जिसके अंदर आपको दिखेगा एमोक्सिसिलिन एंड सल्बैक्टम। अब आपको क्या लगेगा कि एमोक्सिसिलिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है, और सल्बैक्टम भी क्या है, एंटीबायोटिक है। आपका जो सल्बैक्टम है वो एंटीबायोटिक नहीं है। सल्बैक्टम यहां पर क्या रहा है, बैक्टम मतलब ऊपर जाएंगे, बीटा लैक्टम से नाम मिल रहा है बैक्टम का। तो सल्बैक्टम एक ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल बीटा लैक्टम की तरह होता है, लेकिन वो एंटीबायोटिक नहीं होता, मतलब वो बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। अब आप बोलेंगे कि इसका काम क्या है, इसको क्यों दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ केमिकल हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, बहुत हरामी बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, आपने एमोक्सिसिलिन दिया, एमोक्सिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टम है, सारी की सारी में भी पढ़ाऊंगा बीटा लैक्टम होंगी, एमोक्सिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टम। वो बैक्टीरिया इतना चालाक हो गया है, होशियार हो गया है, वो क्या करने लगा, एक केमिकल बनाने लगा है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ठीक है, बीटा लैक्टमेज, ठीक है, एज जहां भी लग जाता है इसका मतलब वो एंजाइम होता है, बायोलॉजी का फंडा है। ठीक है, बीटा लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज का काम क्या होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। बीटा लैक्टमेज क्या करता है, बीटा लैक्टम को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। आप ऐसे समझिए कि कोई एक जानवर था, कैटल था, जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, आपने उसको बाहर से कह दी एमोक्सिसिलिन दे दी, एमोक्सिसिलिन क्या है, बीटा लैक्टम, और जो बैक्टीरिया है वो म्यूटेटेड है, मतलब बहुत हरामी बैक्टीरिया है, उसने क्या करा, बीटा लैक्टमेज को निकालना शुरू कर दिया। आप एंटीबायोटिक देते जा रहे हैं, वो एंटीबायोटिक को खत्म करता जा रहा है, तो एंटीबायोटिक का असर नहीं दिखेगा। तो सिर्फ एमोक्सिसिलिन अगर आप चढ़ाते हैं, आजकल तो सॉल्टी आता है दोनों का, तो कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि आजकल रेसिस्टेंस आने लगा है बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक को लेकर। तो ये जो क्लेविलानिक एसिड है, सल्बैक्टम है, टेजोबैक्टम है, ये क्या करते हैं, बिल्कुल एमोक्सिसिलिन की तरह दिखते हैं। तो ये जो आपका एंजाइम होता है वो इनको पकड़ने लगता है, इसे लगता है कि ये एंटीबायोटिक है, जिस वजह से ये चीजें बच जाती हैं, बचकर क्या करती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं। तो एक तरह से ये बेवकूफ बनाने के लिए यूज की जाती हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया आजकल चालाक होता जा रहा है। तो ह्यूमंस ने भी क्या करा, बाहर से क्लेविलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टेजोबैक्टम वगैरह देने शुरू कर दिए, जो बिल्कुल बीटा लैक्टम की तरह दिखते हैं और आराम से आप बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो एमोक्सिसिलिन का आजकल जो है इंजेक्शन आता है क्लेविलानिक एसिड के साथ, पाइपेरासिलिन आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में यूज कर सकते हैं, टेजोबैक्टम वगैरह,
और डाइक्रिस्टासिन वेरी कॉमनली यूज इन सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह, ठीक है। और कुछ पेनिसिलिन, हाँ कुछ और थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर आप कई बार पेनिसिलिन जो है मुँह से देते हैं, ओरली देते हैं, अगर टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं, तो होता है कि पेनिसिलिन का असर नहीं दिखता, क्योंकि पेनिसिलिन क्या होती है, बहुत आराम से जो है स्टमक के अंदर, ह्यूमन वगैरह के अंदर जो एसिड होता है उससे क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इस फिनोमिनन को बोला जाता है एसिड लेबाइल, लेबाइल मतलब नाजुक होती है बहुत, एसिड डलता है, गैस्ट्रिक एसिड डलता है, क्या होता है पेनिसिलिन टूट जाती है, खत्म हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी एंटीबायोटिक आपको देनी है जो पेट में जाके ना टूटे। आजकल जो ऐसी एंटीबायोटिक आने लगी हैं पेनिसिलिन वाली जो पेट में जाके नहीं टूटती हैं, ठीक है। और भी पेनिसिलिन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जैसे कि बेंजाथाइन पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन वी होता है, ठीक है। और पेनिसिलिन के यूजेज वगैरह जो है वो आप देख लीजिए, ये आपको समझ आ गया होगा एमोक्सिसिलिन और सल्बेक्टम क्यों देते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन मतलब किस किस जगह आप पेनिसिलिन को यूज कर सकते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है बैसिलस, सबसे पहले तो, जो कि क्या कराता है, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स की ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन है। क्लॉस्ट्रिडियम क्या कराता है, क्या कराता है, ये कराता है ना टेटनस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाइज। लिस्टीरिया के अंदर दे सकते हैं आप, और इधर ईकोलाई, ईकोलाई बेसिकली जीआईटी वगैरह का इन्फेक्शन कराता है कैटल्स के अंदर भी, ईकोलाई के इन्फेक्शन के अंदर आप दे सकते हैं, क्लैप्सेला के अंदर दे सकते हैं, यहाँ पर शायद स्यूडोमोनास होगा, स्यूडोमोनास के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस जो होते हैं बेसिकली ओरल मतलब मुंह के जो इन्फेक्शन होते हैं कई बार उसके अंदर जो है देखा जाता है, उसके अंदर भी आप क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं। और अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर मैंने भी बताया था कि पेनिसिलिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और ग्राम नेगेटिव भी मैंने लिख रखा है, तो मैंने बोला था हो सकता है कि कुछ पेनिसिलिन घुस जाए किसके अंदर, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ एंटीबायोटिक घुस सकती हैं, कुछ पेनिसिलिन घुस सकती हैं, क्योंकि आजकल जो हम पेनिसिलिन यूज़ कर रहे हैं वो सिंथेटिक पेनिसिलिन होती हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन वगैरह, जिनको मॉडिफाई किया गया इस तरह से कि वो आराम से ग्राम नेगेटिव को भी मार देंगी, लेकिन पूरी तरह से ग्राम पॉजिटिव के लिए आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए आप इन पर निर्भर नहीं हो सकते, इसके लिए और एंटीबायोटिक्स आ गए जैसे कि सेफेलोस्पोरिन वगैरह, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन जो ग्राम पॉजिटिव की हमेशा रहती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको दो चीज़ याद होनी चाहिए, क्लॉस्ट्रिडियम और बैसिलस, ये क्योंकि जानलेवा बीमारी है, ठीक है, पेनिसिलिन की ड्रग ऑफ चॉइस है। आगे बढ़ते हैं, सेफेलोस्पोरिन, सेफेलोस्पोरिन भी क्या है आपकी, बीटा लैक्टम, आपको बार बार ये बोलना है बीटा लैक्टम, क्या करती है सेल वॉल का इनिबिशन करेगी, सेल वॉल को नहीं बनने देगी। तो अलग अलग जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन आने लगी है मार्केट में, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, सेफ्ट्राइबजोन, जनरेशन मतलब होती है कितनी कौन सी एंटीबायोटिक किस तरह से किस तरह के बैक्टीरिया पे काम करती है, अगर कोई एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के लिए ज्यादा कारगर है तो वो ऊपर वाली जनरेशन में रहती है, जैसे ही जनरेशन बढ़ती जाती है मतलब एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो आपकी सेफ्ट्राइज़ोन वगैरह जो है कॉमनली यूज करी जाती है ग्राम नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए क्या दी जाती है, पेनिसिलिन वगैरह, सेफ्ट्राइज़ोन हो गया, और आपका सेफाएक्सिम भी दी जाती है, और सेफाजोलिन भी पढ़ाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और फिफ्थ जनरेशन ज़्यादा यूज करी नहीं जाती है, और सेफाक्लोर भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आपको ये जनरेशन वगैरह याद नहीं रखनी, आपको नाम पता होना चाहिए कि जिसके अंदर सेफ आ जाता है कॉमनली वो सेफेलोस्पोरिन होती है, एंड आप उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कॉमनली यूज कर सकते हैं, और ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप आराम से वो वाली एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। तो ये वाला जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली देखा जाए तो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ देनी है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हमने कवर कर लिया कि कौन सी एंटीबायोटिक सबसे पहला कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर देंगे। अब आते हैं हम कार्बापेनम्स, कार्बापेनम्स भी क्या है आपकी, बीटा लैक्टम, ये भी क्या करती है, सेल वॉल का इनहिबिशन करती है। अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर ऐड कर दी है मैंने, वो क्या करी है, एनारोबिक बैक्टीरिया, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव के लिए क्या आती है पेनिसिलिन, नेगेटिव के लिए सेफेलोस्पोरिन ज्यादा यूज की जाती है, और सेफेलोस्पोरिन के अंदर भी थर्ड जनरेशन फर्स्ट सेकेंड वाली कॉमनली पॉजिटिव के लिए होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो नेगेटिव के लिए बढ़ती जाएंगी, नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या केस है, एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे कि गैस गैंग्रीन हो जाती है, गैस गैंग्रीन जिसके अंदर क्या कराते हैं, गैस गैंग्रीन क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम होता है ना, गैस गैंग्रीन बॉटुलिनम,
बॉटुलिनम वगैरह में ना गैस गैंग्रीन वगैरह दिखी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि एनरोबिक बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एनरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक अलग ही कंपार्टमेंट, एक अलग ही जोन के अंदर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। वहां पर क्या होता है, गैस कम होती है। बिना गैस के अगर कोई बैक्टीरिया सांस लेना शुरू कर दे, या फिर रेस्पिरेशन बोलो उसको, रेस्पिरेशन अगर करना शुरू कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एनरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब हवा के बिना, तो उसके अंदर यूज की जाती है आपकी कार्बापेनम्स। अब जितनी भी साइट होती है, जैसे कि आपका प्लूरल कैविटी के अंदर अगर इन्फेक्शन है, क्योंकि वहां पर जो एयर नॉर्मली नहीं पहुंचती है, प्लूरल कैविटी लंग से कनेक्टेड तो होती है लेकिन नॉर्मली वहां पर एयर नहीं पहुंचती है, अगर प्लूरल कैविटी के अंदर एयर पहुंचने लगती है तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। आपकी पेरिटोनाइटिस वगैरह हो गया, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, गैस गैंग्रीन है, या फिर कोई वुंड है, इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हो रहा है, जिसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो वहां पर बेसिकली पस वगैरह होने लगता है और एनरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, बढ़ जाता है, उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस वजह से आपकी नई बैक्टीरिया, नई एंटीबायोटिक आ गई, इसको बोलते हैं कार्बापेनम, उसके अंदर भी आपको यूज़ करनी है मीरोपेनम वगैरह। अब आप पूछेंगे कि इमीपेनम क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि इमीपेनम को लेकर क्या देखा गया है, चांसेस ऑफ सीजर्स, सीजर्स तो पता ही आपको, सडन अटैक आने लगे अगर, तो इसलिए होता है क्योंकि जो इमीपेनम होता है वो न्यूरॉन्स का क्या करा देती है, थ्रेशोल्ड कम करा देती है। थ्रेशोल्ड मतलब अगर करंट 100 एम्पियर चाहिए किसी आदमी को सीजर्स लाने के लिए, तो करंट 70 एम्पियर पे आने लगता है, मतलब मैंने बहुत हाई चीज बताई है, इतना करंट होता नहीं है, माइक्रो एम्पियर में होता है करंट, ठीक है। अगर कोई चीज 100 चीज पर हो जाती है तो वो 70 पे होने लगेगी, तो क्या होने लगेगा, बॉडी के अंदर सीजर्स आने लगते हैं। तो ये चीज क्या है, साइड इफेक्ट है किसका, इमीपेनम के लिए। तो आजकल नई आने लगी जैसे कि मीरोपेनम, डोरीपेनम, फेरोपेनम वगैरह, और मोस्टली जो होती है आईवी होती है, ओरली जो है बहुत कम होती है, ओरली बस फेरोपेनम होती है, आप इसको ऐसे याद रखते हैं, ORAL, ओरल, उल्टा इसको पढ़ेंगे तो ओरल बन जाएगा, मतलब ये अकेली ऐसी होती है जिसको ओरली दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द कार्बापेनम्स क्या होती है, आईवी होती है, इंट्रावीनस दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको नई चीज पता होना चाहिए एनारोबिक। तो आपको जब भी कोई एंटीबायोटिक देनी है, आपको देखना है कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इसके अंदर भी एरोबिक है, एनारोबिक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कार्बापेनम्स। अब हम एक चीज पढ़ेंगे जो बिल्कुल ही उल्टी होगी, सॉरी एक चीज यहाँ पर डालना रहेगा, शायद पीपीटी लीड होगी, मैं पढ़ा देता हूँ, मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम, ठीक है। मैंने अभी जो चीज बोली आप बोलेंगे कि गलत बोली है, अभी मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ऊपर, जिसके अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कार्बापेनम, पेनिसिलिन वगैरह, सेफेलोस्पोरिन, उसके अंदर लास्ट क्लास थी मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, बीटा लैक्टम की रिंग होती है, मतलब इसके अंदर कोई साइड चेन नहीं होती है। हर क्लासिफिकेशन के अंदर साइड चेन रहेगी लेकिन इसके अंदर साइड चेन नहीं रहेगी, तो ये तो गई थ्योरेटिकल बात। और जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये बिल्कुल अपोजिट होती है पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव होती है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव के लिए, सबसे ज्यादा मतलब सेफेलोस्पोरिन से भी ज्यादा, मोनोबैक्टम। इसके लिए इतना ही लिखना था, बस इतना ही था इसके अंदर। अब हमारी क्या कवर हो गई, आपकी सेल वॉल को जो इफेक्ट करती है वो सारी की सारी पेनिसिलिन हमने क्या करनी, कवर कर ली। अब हम आते हैं जो एंटीबायोटिक्स प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक दें, मतलब बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसका प्रोटीन का मैकेनिज्म फ्लॉप कर दें, अगर प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है बैक्टीरिया की। तो उसके अंदर ये आपकी क्लासिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्लोप्रिस्टिन एंड एमिनोग्लाइकोसाइड इंक्लूडेड है। एक एक के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सारी की सारी क्या करेंगी, प्रोटीन का इनहिबिशन करेंगी। अब एक चीज और बता देता हूँ, हर क्लासिफिकेशन ऊपर जो करी गई है वो अलग तरह से काम करती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत बड़ा चीज़ है, अगर मैं समझाने बैठूँ तो रात हो जाएगी, ठीक है। आरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, राइबोसोम चाहिए, बहुत सारे एंजाइम चाहिए, ट्रांसलोकेशन होता है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो अलग अलग स्टेप पे क्या करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन के ड्रग काम करते हैं, मतलब टेट्रासाइक्लिन अलग तरह से काम करता है, आपका क्लिंडामाइसिन अलग तरह से काम करता है, लेकिन फाइनली जो चीज़ निकल कर आती है वो होता है कि आपका प्रोटीन नहीं बनता, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। आपको याद नहीं रखना कि हमारे अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा, हमारे अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो सारी की सारी एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी, बैक्टीरिया पे काम। तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर जो आपके ड्रग्स आते हैं, सबसे कॉमनली जो सबको पता होगा, ऑक्सी जो देते हैं, अब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, इसका फोटो लगाया है। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आपको अब तक पता था कि एंटीबायोटिक है, लेकिन अब आज से आपको पता है कि क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन खुद मार्केट में इस नाम से आती है,
क्लासिफिक ड्रग का नाम, ग्रुप का नाम भी है और ड्रग का नाम भी है। ये ड्रग का नाम है, ये ग्रुप का नाम है। डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन को मॉडिफाई कर करा के इसके अंदर क्लोर क्लोरीन की रिंग लगा दी, जिसके नाम से बन गया क्लोर टेट्रासाइक्लिन। और भी हैं लेकिन इतनी आपके लिए काफ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो कि क्या करती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन के बाद आते हैं आपके मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स भी वही ड्रग्स हैं जो क्या करेंगे, आपके प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देंगे। सारी की सारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखने हैं। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टैक्रोलिमस। टैक्रोलिमस इतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता, ये वाले कॉमनली यूज किए जाते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, जो कि क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे। एरिथ्रोमाइसिन जो होता है आपका, जो है 500 mg में आता है, जिसको 3000 mg की डोज बनाकर दिया जाता है ओरली, मतलब 6 टैबलेट्स दी जाती है, मतलब 6 × 500 कितना हो गया, 3000 mg, मतलब 3 ग्राम, सॉरी 3 ग्राम ही हो गया, 3000 मिलीग्राम होगी ना। तो 3 ग्राम दी जाती है आपकी एरिथ्रोमाइसिन। तो ये आपका मैंने फोटो भी लगा रखा है साथ साथ, ठीक है। तो आपका 10, इसका मतलब आपका है कि 15 टैबलेट, मतलब टोटल जो है 150 टैबलेट्स इस डब्बे के अंदर होने वाली है, ठीक है। हर पैकेट के अंदर या तो 15 गोलियां होंगी, जिसके अंदर 10 आपके क्या होंगे, पत्ते होंगे ऐसे, तो पूरे डब्बे के अंदर आपकी 150 गोलियां होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्रोलाइट्स, जिसके अंदर आपको नाम पता होना चाहिए। आगे आ गए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपने नाम सुना होगा सबका, क्योंकि काफी कॉमनली यूज किए जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस को ये भी क्या करती है, इनहिबिट करती है। इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है, जो मैंने अलग लाल कलर से लिखी है, जेंटामाइसिन प्लस पेनिसिलिन। ये क्यों लिखी है, क्योंकि ये एक एम्पेरिकल थेरेपी है। एम्पेरिकल मतलब होता है, अगर आप किसी चीज को डायग्नोस कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है आपने कोई चीज डायग्नोस करी लेकिन आप कंफ्यूज हो कि हो सकता है कि इस चीज को मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, हो सकता है कि इसको एनसेफेलाइटिस भी हो सकता है, या फिर कई बार एक बीमारी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकता है लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वो चीज़ कॉज कर रहा है। जैसे मेनिंजाइटिस ही है, मेनिंजाइटिस जो है गोनोकोकल भी हो सकती है, मेनिंजाइटिस जो है स्यूडोमोनास भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कॉज हो सकते हैं, वायरल भी हो सकता है, ठीक है, स्यूडोमोनास नहीं करता, वायरल। तो मेनिंजाइटिस के अलग अलग कॉज हो सकते हैं। तो एज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, जिसको बोला जाता है एम्पेरिकल थेरेपी। तो आप इसको कॉमनली दे देते हैं जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन को मिलाकर। पेनिसिलिन क्या था, अपना सेल वॉल को इनहिबिट करता था, जेंटामाइसिन क्या था, प्रोटीन को इनहिबिट करता था। तो होता क्या है, पेनिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से जेंटामाइसिन को एंट्री मिल जाती है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया के अंदर घुसता है और क्या करता है, प्रोटीन के सारे मैकेनिज्म को फेल कर देता है। तो ये दोनों आपस में मिल बांट कर काम करते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेंटा पेनिसिलिन का आईवी ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पर जेंटामाइसिन का फोटो लगाया है। हाँ, अपन 2 क्लास कंप्लीट हो गई है हमारी, सेल वॉल, प्रोटीन। अगला आता है अपना मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले समझना है मेटाबोलाइट्स क्या है। मैंने आपको भी बताया था, जो चीज़ फॉलिक एसिड को इनहिबिट करेंगे, जो ड्रग्स फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, वो क्या होंगे, एंटी मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का मतलब ही क्या है, मेटाबोलाइट मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, या तो टूट रही है या तो बन रही है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, या तो कोई चीज़ टूट रही है या फिर बन रही है। तो यहाँ पर अपना मेटाबॉलिज्म फॉलिक एसिड को लेकर है, तो बैक्टीरिया के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, बाहर से ड्रग्स दे दिए, जिनका मोस्टली सल्फा से नाम स्टार्ट होता है, इनको सल्फा ड्रग्स बोला जाता है, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा सोक्साजोल, सल्फा सेलाजीन, सल्फा मिथॉक्साजोल। तो ये सारे के सारे सल्फा वाले नाम से आ गए, और ये आपके ट्राइमेथोप्रिन, पायरोमेथामिन, इनको अलग से नहीं दिया जाता। मैंने इनको लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि इनको आप सेपरेटली सिंगल ही यूज़ नहीं करते, आप हमेशा मिक्सर के साथ यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, जो आपका फॉलिक एसिड का सिंथेसिस होता है वो अलग अलग एंजाइम से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले आपका जो सल्फा डॉक्सिन, सल्फा सोक्सोल, ये सारे के सल्फा जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, ऊपर वाले स्टेप्स को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ऊपर वाले स्टेप्स को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, मतलब इनिशियल पार्ट को रोक देते हैं, किसके, फॉलिक एसिड के बनने को। अगर आप ट्राइमेथोप्रिम और पायरीमेथामिन को भी दे देते हैं तो नीचे वाले स्टेप भी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मतलब इनहिबिट हो जाते हैं लेटर वाले स्टेप। अगर थोड़ा बहुत फॉलिक एसिड बन भी गया तो ये दोनों जो है उसको छोड़ेंगे, मतलब वो आगे नहीं बढ़ने देंगे,
तो ये दोनों चीज यूज करी जाती है मिक्सचर में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ड्रग लिखा है सल्फाडॉक्सी ट्राइमेथोप्रिन। अब आपको समझ आना चाहिए कि दोनों के दोनों ड्रग्स क्या है, एंटीबायोटिक है दोनों के दोनों। ऊपर हमने एक चीज पढ़ी थी सेमू, क्या थी, एमोक्सिसिलिन और सल्वेक्टम। सल्वेक्टम एंटीबायोटिक नहीं था, यहाँ पर ट्राइमेथोप्रिन भी एंटीबायोटिक है, सल्फाडॉक्सिन भी एंटीबायोटिक है। तो आपको ड्रग्स के नाम पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और लिखी है, डीएनए सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया फॉलिक एसिड किस लिए जरूरी है, डीएनए के लिए। तो फॉलिक एसिड नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा। अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि ये फॉलिक एसिड जो है आपका, फॉलिक एसिड क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर जो है इनहिबिट हो रहा है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर इनहिबिट क्यों नहीं होता। ह्यूमंस के अंदर इनहिबिट इसलिए नहीं होता क्योंकि ह्यूमंस जो है फॉलिक एसिड बॉडी के अंदर नहीं बनाते, फॉलिक एसिड हमेशा बाहर से लिया जाता है ह्यूमंस के अंदर। तो बना बनाया फॉलिक एसिड जो है ह्यूमंस क्या करते हैं, लेते हैं। ह्यूमंस क्या लेते हैं, बना बनाया फॉलिक एसिड लेते हैं। तो आप अगर ड्रग्स देती में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा होने लगता तो क्या होता है, ह्यूमंस की भी डेथ हो जाती। तो सारा का सारा फॉलिक एसिड बैक्टीरिया का इफेक्ट होगा और बैक्टीरिया की हो जाएगी डेथ हो जाएगी। एंटी मेटाबोलाइट अपना ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट होगा, डीएनए गायरेज इनहिबिटर। अब डीएनए गायरेज क्या होता है, आपको पता होगा एक प्रोसीजर होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डिवीजन, डीएनए एक से दो में डिवाइड होता है, उसको बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए जब डिवाइड होता है, डीएनए एक धागे की तरह होता है, अगर आप धागा लेंगे और धागा के अंदर आप गांठ वांठ बांधें और धागे को खींचेंगे तो क्या होगा, धागे के अंदर टेंशन बढ़ जाती है, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं, सॉरी अब मैं समझा नहीं पाया सही से। ये क्या होता है आपका डीएनए होता है। अब डीएनए खुलता है कैसे, डीएनए ऐसे करके खुलना शुरू होता है, यहाँ से क्या होता है रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक और धागा ऐसा बनने लगता है, दो धागे खुलते हैं और यहाँ पर एक नया धागा आना शुरू हो जाएगा और एक यहाँ पर नया धागा आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, और खुलता है और खुलता है, जैसे खुलता रहता है ना, होता क्या है, खुलते खुलते जो एक टाइम आ जाता है जब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पास आ जाती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा पास आ जाती है, मतलब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, टेंशन आती है, जिस वजह से धागा और नहीं खुल पाएगा। अगर पूरी तरह से नहीं खुल पाएगा तो क्या होगा, ये पूरा डिवीजन नहीं हो पाएगा। जब तक ये पूरा धागा नहीं बन जाएगा तब तक ये डीएनए जो है पूरा रेप्लिकेट नहीं करता, वहीं जो है रुक जाएगा प्रोसीजर। तो बैक्टीरिया के अंदर एक चीज होती है जो ऊपर वाले ने बैक्टीरिया के अंदर डाली है, जिसको बोला जाता है डीएनए गायरेज। गायरेज क्या करता है, इस चीज को क्या करता है, यहाँ पर काटता है, इन्हें काट के क्या करता है, घुमा देता है। मतलब अगर अलमेटे, अगर अच्छे समझाओ तो अलमेट पड़ जाती हैं, अगर आप एक रस्सी खोलते हैं तो खींचते चल जाते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, उसमें अलमेट पड़ जाती हैं। तो आप अलमेट को क्या करते हैं, खोलते हैं, फिर उसको दोबारा से खोलते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए गायरेज क्या करता है, इन अलमेटों को खोलता है और क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन को आगे बढ़ाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब हमने इनहिबिटर दे दिया, इनहिबिटर मतलब डीएनए गायरेज को ही वो चीज़ क्या करती है, रोक देगी। जो हमने ड्रग्स दिए हैं वो डीएनए गायरेज को रोक देगी। मतलब अगर टेंशन, ये अलमेट, ये तनाव डीएनए के अंदर बना रह गया, किसके, बैक्टीरिया के, तो क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, किसका, डीएनए का। ये सारे के सारे ड्रग क्या करेंगे, रेप्लिकेशन नहीं होने देंगे, मतलब डिवीजन नहीं होने देंगे, किसका, बैक्टीरिया का, क्योंकि ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देंगे। क्योंकि डीएनए गायरेज इनहिबिट हो जाएगा तो तनाव जो है खत्म नहीं हो पाएगा, जिस वजह से रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। अब इसके अंदर हमें ड्रग्स समझने हैं, सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं उनको फ्लोरोक्विनोलॉन्स बोला जाता है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर्स को क्या बोला जाता है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, उसके अंदर ही सारे ड्रग्स आते हैं। सबसे कॉमन जो आपको पता होगा वो कौन सा पता होगा, इंड्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। इंड्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, नॉरफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, स्पेलिंग सारी सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो आपको यहाँ पे दिख भी होगा इंड्रोसिन, इंड्रोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर मेन सॉल्ट होता है आपका एंड्रोफ्लॉक्सासिन। एंड्रोफ्लॉक्सासिन का काम आज से आपको पता चल गया कि क्या करता है, डीएनए का जितना भी टेंशन होता है इसको ऐसे ही रखता है, जिस वजह से डीएनए डिवाइड नहीं कर पाता। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैंने फोटो डाला है यहाँ पर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जूम नहीं हो रहा है, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एंड्रोफ्लॉक्सासिन दिखा दिया। तो ये आपका जो है मोटा मोटा सा कवर हो गया, क्या, एंटीबायोटिक्स, सारा का सारा एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर हो गया। फंगल के लिए अलग होता है, वायरल के लिए अलग होता है, तो वेटनरी के अंदर इतना दिया नहीं जाता वायरल के लिए, फंगल के लिए दिया जाता है। तो बस मैं जल्दी से इसको समराइज कर देता हूँ क्लास, इसके बाद इसको खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ, ये जैसे अपन ग्राम पॉजिटिव में अपन पेनिसिलिन देते हैं, अगर एग्जाम में हम लोगों के में आता है,
अगर ग्राम मिलीलीटर में हम लोगों को जैसे बुक में स्टोकाटोक मार्जिन लिखा है तो अपन ये देंगे या फिर आपने जो बताई वो देंगे? अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं तो एग्जाम वाला लिखेंगे, बुक वाला हाँ, वो तो प्रैक्टिकल चीज तो अलग होती है। प्रैक्टिकली तो डॉक्टर्स मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है, मतलब कई चीजें होती हैं जो आप बुक से अलग सीखते हैं तो आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं कि ये वाली एंटीबायोटिक काम कर रही है वाली नहीं कर रही है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स के लिए एक चीज और बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आज से 20 साल पहले कोई एंटीबायोटिक थी जो किसको खत्म करती थी, जो आपके मान लीजिए एंथ्रेक्स को खत्म करती थी, आज जो है वो एंटीबायोटिक फेल हो गई है, मतलब वो काम नहीं कर रही है। ऐसा कॉमनली देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। रेसिस्टेंस मतलब आप बैक्टीरिया को मारना चाहेंगे उस एंटीबायोटिक से, लेकिन बैक्टीरिया ने कोई मैकेनिज्म बना लिया है, या तो वो उस एंटीबायोटिक को निकाल कर बाहर फेंक देगा। ये चीजें देखी जाती हैं प्रैक्टिकली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई एंटीबायोटिक घुसी बैक्टीरिया के अंदर मारने के लिए, बैक्टीरिया ने क्या करा, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या गया, रेसिस्टेंस आ गया, वो एंटीबायोटिक से नहीं मरता। तो कई ऐसा होता है कि 10 साल पहले जो बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक से मरता था वो आज नहीं मर पाता क्योंकि रेसिस्टेंस आ जाता है। तो अगर कोई एंटीबायोटिक, अगर पेनिसिलिन मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो आप जो इसको स्विच कर देंगे। जरूरी नहीं आप सोचें कि यही चीज़ है, हर एंटीबायोटिक हर बैक्टीरिया को मार सकती है, लेकिन हम देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन से बैक्टीरिया के लिए किसकी ज़्यादा डोज कम लगेगी, किसकी फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखनी है इंपॉर्टेंट इसमें। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए सबके, IV, IM वगैरह तो आज